देवास के कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में जिले में वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि देवास में 15 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क प्रीकॉशन डोज लगाया जाएगा। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग एवं अन साइट वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के लिए 15 जुलाई को शाम 4:30 बजे से स्लॉट ओपन किए जाएंगे। नागरिक cowin.government.in पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर वैक्सीन का प्रीकॉशन डोज लगवा सकते हैं। CMHO डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि देवास जिले में 75 दिनों तक सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क बूस्टर डोज लगेगा। सभी नागरिक COVID-19 से बचाव के लिए समय सीमा में बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। ऐसे नागरिक जो 6 माह पहले दूसरा डोज लगवा चुके हैं वे केंद्रों पर प्रीकॉशन डोज लगवा सकते हैं। COVID-19 वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज वही वैक्सीन होगी जो पहले दी गई थी। COVID-19 टीकाकरण की जानकारी के लिए क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी के लिए जो है कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल स्थापित किया गया है जिसका नंबर 07272222202 पर संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए 15 जुलाई से प्रीकॉशन डोज के लिए 18+ को भी इसमें डोज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के लिए हमारे देवास जिले में हमने सब तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आम जनता से यह अनुरोध है कि वो अपना पहले से स्लॉट ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो सेंटर पर पहुँच करके उनको लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और कर्मचारी भी हमने ड्यूटी लगाई है। इस तरह से हम जल्दी से जल्दी सभी लोगों को प्रीकॉशन डोज से कवर करना चाहेंगे। सर, पहले का जो समय था और उसमें अभी इसके समय में अंतर आ रहा है? ऐसा पहले ये 9 महीने के बाद जो है प्रीकॉशन डोज लगाने का निर्देश दिए गए थे, अब उन कोविन पोर्टल पर ये चेंज कर दिया गया है। 6 महीने के बाद जिन लोगों ने 6 महीने पहले सेकेंड डोज लगवाया है वो लोग भी इसके लिए पात्र हैं और प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।